So, today we will study about the forecasting errors and we'll solve questions of the forecasting error. तो forecasting errors जो है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं, उसके बाद हम उससे related question करेंगे. तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि mean square error क्या होगा. तो देखो मैंने लिखा है यहां पर MSE. तो MSE का मतलब क्या है? Mean square एरर. ठीक है, सबसे पहले आप जो है ना इस एरर शब्द को पकड़ो. इस एरर का मतलब यह है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड द फोरकास्ट. तो जो आपने फोरकास्ट दिया है या जो आपने डिमांड प्रेडिक्ट किया था और जो एक्चुअल डिमांड आया है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एरर. इस एरर को कई बार डेविएशन भी बोलते हैं. ठीक है, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज डेविएशन. अब ये समझो कि इस पूरे टर्म में आपको जो वर्ड्स को स्पेल करना है वो रिवर्स डायरेक्शन में करना है. जैसे सबसे पहले आपने बोला एरर, फिर आप बोलेंगे स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, इसका कर दूंगा स्क्वायर. समझ आ रहा है? फिर क्या लिखा है? मीन. मैं अब क्या करूंगा, इसका मीन निकाल लूंगा फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n. ये हो गया आपका मीन स्क्वायर एरर. तो कितना सिंपल सा तरीका है. आप देखो कि अगर MSE लिखा है, सबसे पहले मैंने क्या बोला? एरर. एरर मतलब क्या? DI-FI. फिर मैंने क्या बोला? स्क्वायर. तो स्क्वायर DI-FI का होल स्क्वायर कर दो. फिर क्या लिखा है? मीन. तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करके समेशन फ्रॉम 1 to n यू विल डिवाइड इट बाय n. तो ये हो गया आपका मीन स्क्वायर एरर. तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ व्हाट इज द मीन स्क्वायर एरर. तो हम इस मीन स्क्वायर एरर को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? DI-FI निकालेंगे. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि डिमांड कितना है? 35 यूनिट्स. फोरकास्ट कितना है? 30 यूनिट्स. तो कितने का एरर आ गया? 5 का. और ये क्या है? पॉजिटिव 5. फिर 45-40 क्या एरर आया? 5 का. फिर 28-30 क्या एरर आया? -2. फिर 32-35 क्या एरर आया? -3. फिर आपने क्या किया? 40-35 क्या एरर आया? 5. ठीक है, तो ये आपने किया DI-FI. तो जब डिमांड ज्यादा था तो उस केस में आपने एरर को पॉजिटिवली लिखा है, जब डिमांड कम था और फोरकास्ट ज्यादा कर दिया था तो उस केस में आपने एरर को नेगेटिव टर्म में लिखा है. अब जब भी डिमांड फोरकास्ट से ज्यादा हो, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन फोरकास्ट, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमने अंडर एस्टिमेशन कर दिया था. अंडर एस्टिमेशन का मतलब क्या? हमने जो आकलन किया था कि इतना सेल होगा उससे ज्यादा सेल हुआ है. मतलब हम अपने सेल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अपने सेल्स फिगर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे. तो डिमांड अगर ज्यादा हो फोरकास्ट से, दैट इज नोन एज अंडर एस्टिमेशन. अगर डिमांड कम हो फोरकास्ट से तो उसे हम बोलते हैं ओवर एस्टिमेशन. वी कॉल इट ओवर एस्टिमेशन, राइट? सो हियर वी वॉन्ट मीन स्क्वायर एरर. तो मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए, मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए हमें एरर का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा. तो अगर मैं यहां लिख देता हूं स्क्वायर, तो यहां पर 5 का स्क्वायर होगा. 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 25. यहां पर फिर से 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 25. यहां पर -2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 4. यहां पर 3 का, -3 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 9. फिर से 5 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 25. ठीक है, अब मीन स्क्वायर एरर में फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? फॉर्मूला बताया दैट इज समेशन ऑफ DI-FI होल स्क्वायर. तो आप एरर का होल स्क्वायर निकाल के उसका समेशन करो और फिर आप डिवाइड बाय n कर दो. ठीक है, यहां पर कई बार बच्चों को डाउट होता है सर डिवाइड बाय n किसके पर करना है, तो पूरा समेशन निकालने के बाद लास्ट में हम डिवाइड बाय n करेंगे. ठीक है, अब ये जो एरर का स्क्वायर है उसका समेशन अगर हम करें तो 25 25 25 75 75 और 13, तो ये हो गया 88.
ठीक है। सो 88 डिवाइड बाय 5, तो मैं यहां पर लिखूंगा एम एस ई दैट इज 88 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज हियर वी हैव 5 मंथ्स टू ऑपरेट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 5, तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो आई विल राइट इट एज 17, 5 से 85 और फिर इधर 3, सो 17.6, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर एरर, ये हमारा मीन स्क्वायर एरर का रिजल्ट आया, दैट इज 17.6। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या पूछा है, अगला एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को हम स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी एरर अगर होता है तो आप क्या तरीका अपनाएंगे, हाउ विल यू स्पेल इट, यू विल स्पेल इट बैकवर्ड्स, और आप ऐसे लिख सकते हैं दैट यू विल रीड इट बैकवर्ड्स, तो आप उसको उल्टे डायरेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लिखा है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डेविएशन, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले डी से डेविएशन, उसके बाद डेविएशन लिखने के बाद फिर मैं क्या पढ़ने वाला हूं, फिर मैं पढ़ने वाला हूं एब्सोल्यूट टर्म को, तो मैं यहां पर लिखूंगा एब्सोल्यूट, फिर ये एम लिखा है, अब मैं इसे पढ़ूंगा मीन। आप बोलेंगे सर आप उल्टे डायरेक्शन में पढ़ के क्या फायदा हो रहा है आपको, तो देखो अगर मैंने लिखा यहां पर डेविएशन, तो डेविएशन का मतलब मैंने क्या बोला, दैट इज डी आई माइनस एफ आई, दैट इज द डेविएशन, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब ये कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप मॉड्यूलस के अंदर कर लेंगे, फिर लास्ट में क्या लिखा है मीन, मतलब ये इसका समेशन करेंगे उसके बाद एन से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब एरर के स्क्वायर का समेशन नहीं करना है, अब एरर का मॉड फंक्शन निकालना, मतलब मॉड करना है, मॉड्यूलस लगाना है उसमें, ठीक है, जो भी अगर नेगेटिव टर्म आता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको समेशन करना है और फिर लास्ट में एन से डिवाइड करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकल सकता है, तो आप एक काम करो, यहां पर डी आई माइनस एफ आई जो है ना उसको मॉड्यूलस के टर्म में लिखो और उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं, तो चेंजेस कहां पर आएगा, देखो ये 5 और 5 तो पॉजिटिव है पहले से, ये जो माइनस 2 है ये तब्दील हो जाएगा प्लस 2 में, ये जो माइनस 3 है ये तब्दील हो जाएगा प्लस 3 में, बस ये चेंज आने वाला है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा डी आई माइनस एफ आई मॉड्यूलस, ओके, एंड आई विल राइट हियर द मंथ्स, द पीरियड, सो वी हैव जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, राइट। तो अगर हम डिमांड माइनस फोरकास्ट की वैल्यू देखें तो फर्स्ट मंथ में 5 था, सेकेंड मंथ में भी 5 था, थर्ड मंथ में आई हैव 2 एज द मॉड्यूलस ऑफ एरर, फिर है 3 और फिर है 5, तो ये है आपके पास डी आई माइनस एफ आई को अगर आप पॉजिटिव टर्म्स में लिखते हैं तो ये आएगा, इसको अगर हम ऐड करें तो 5 5 10 15 एंड 15 एंड 5 इज इक्वल टू 20, तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ डी आई माइनस एफ आई मॉड फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय 5, ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑल टूगेदर हाउ मेनी मंथ्स, 5 मंथ्स, ओके, फ्रॉम जनवरी टू मे, सो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने समेशन किया, क्या रिजल्ट आया 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये है आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन दैट इज इक्वल टू 4। मीन स्क्वायर एरर क्या आया था, दैट वाज इक्वल टू 17.6 और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आया 4। अब गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं, थर्ड हमसे क्या पूछा गया है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, एम ए पी से बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, फिर से वही बात होगी, हमें क्या करना होगा, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज
एरर, ठीक है, ये है एम ए पी ई। इस एम ए पी ई को आप पढ़ेंगे कैसे, उल्टे डायरेक्शन में। सबसे पहले आप पढ़ेंगे एरर, तो एरर बोले तो ई आई, ई आई का मतलब क्या है, डी आई माइनस एफ आई। फिर क्या लिखा है इसका, परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, मैं लिखूंगा डी आई माइनस एफ आई डिवाइडेड बाय डी आई इंटू 100, ये हो गया इसका परसेंटेज। अब फिर मैं पढ़ूंगा एब्सोल्यूट को, तो एब्सोल्यूट मतलब जो भी परसेंटेज आया है उसको आप मॉड्यूलस के अंदर रख लो, और फिर इसका मीन निकाला जाएगा। सो फाइनली वी विल गो फॉर इट्स मीन वैल्यू, सो आई विल गो फॉर द समेशन फ्रॉम 1 to n, आई विल डिवाइड इट बाय n, सो दिस इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था वो देख लो एक बार। वी हैव 35, 30, 45, 40, दी आर द वैल्यूज, तो हम एक काम करते हैं कि यहां पर हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ है। तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले आपको हर एक पीरियड का अलग अलग निकालना पड़ेगा परसेंटेज, और उसके बाद सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर इसको ऑपरेट करूंगा, तो मैं यहां से ये हटा रहा हूं टर्म, सिंस आपने नोट कर लिया होगा। और मैं यहां पर लिखता हूं परसेंटेज, और आई विल राइट इट एज डी आई माइनस एफ आई डिवाइडेड बाय डी आई इंटू 100, एंड देन आई विल टेक द मॉड्यूलस। सो आई नीड सम मोर स्पेस, सो लेट मी रिमूव दीज थिंग्स फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ आई विल राइट डी आई माइनस एफ आई डिवाइडेड बाय डी आई इंटू 100 एंड इट्स मॉड्यूलस। ठीक है, ये करेंगे कैलकुलेट यहां पर। तो 35 माइनस 30, कैलकुलेशन करते हैं, 35 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100, उसका मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू कितनी होगी। सो आई विल राइट इट एज 5 डिवाइड बाय 35 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 14.28%। देन वी हैव अगेन एरर एज 5 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 मॉड्यूलस। सो 5 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 इज इक्वल टू 11.11%। ओके, आई रिमूव दीज टर्म्स फ्रॉम हियर। देन आई हैव दिस वैल्यू एज -2 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 2 डिवाइड बाय 28 इंटू 100 इज इक्वल टू 7.14%। फिर इधर -3 डिवाइड बाय 32 इंटू 100 मॉड्यूलस। सो 3 डिवाइड बाय 32 इंटू 100 इज इक्वल टू 9.375%। ओके, देन वी आर लेफ्ट आउट विद द फाइनल वन दैट इज 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। सो 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 12.5%। ओके, नाउ लेट्स ऐड देम टुगेदर। सो व्हाट वी हैव इज 14.28 प्लस 11.11
प्लस 7.14 प्लस 9.375 प्लस 12.5 इट्स इक्वल टू 54.405। तो अगर मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, तो मैं लिखूंगा DI माइनस FI डिवाइडेड बाय DI इनटू 100 डिवाइडेड बाय N। तो ये वैल्यू आई है यहाँ पर 54.405 डिवाइडेड बाय 5। तो इस रिजल्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल गेट इज 10.881। ओके, सो दिस इज द परसेंटेज एरर। ओके, सो आई विल राइट 10.881 परसेंटेज एरर। ओके, तो ये आ गया मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तीन चीजें अभी तक हम निकाल चुके हैं, पहला था मीन स्क्वायर एरर, दूसरा था मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तीसरा था मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तरीका बड़ा सिंपल है, आप इस पर बैकवर्ड स्पेल करेंगे, बैकवर्ड रीड करेंगे, और जो टर्म्स आएगा उसको आप प्यार से पहले टेबल में लिखेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद लास्ट में उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पीरियड से। फाइनली जो चीज रह गई है वो है बायस। ठीक है, व्हाट इज बायस? तो ये ओवर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन, ये सब समझ में आ गया था आपको। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं बायस। ठीक है, ये बायस क्या होता है, इसे हम मीन फोरकास्ट एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, MFE, मतलब मीन फोरकास्ट एरर। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी फोरकास्टिंग एरर है उसका आप मीन निकाल दो। ठीक है, ना आपको आपको स्क्वायर करना है, ना आपको मॉड में डालना है, आप सिंपली उसका मीन निकाल के आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पीरियड से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि DI माइनस FI जो हमने किया था उसका समेशन क्या था। हमने ऐड तो किया ही था सबको, तो फर्स्ट पीरियड का क्या था 5, दूसरे पीरियड का क्या था 5, तीसरे पीरियड का क्या था 28 माइनस 30 इट वॉज माइनस 2, देन इट वॉज माइनस 3, और लास्ट में फिर से क्या आया था 5 आया था। तो अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा, 5 5 5, ये हो गया 15, और 15 में से ये 5 हटा दो क्या हो गया 10। ठीक है, अब अगर हमें MFE निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 10 को डिवाइड कर देंगे 5 से, दैट वाज द नंबर ऑफ पीरियड, एंड वी विल ऑब्टेन द वैल्यू एज 2। तो आप मीन फोरकास्ट एरर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मीन फोरकास्ट एरर जो है, मीन फोरकास्ट एरर ये क्या है, इसे आप लिख सकते हैं रनिंग सम फोरकास्ट एरर डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो हमने समेशन किया है, ये जो समेशन किया है इसे हम बोलते हैं रनिंग सम फोरकास्ट एरर, रनिंग सम फोरकास्ट एरर। सो आर इज रनिंग, एस इज सम, एफ इज फोरकास्ट, ई इज एरर। तो रनिंग सम फोरकास्ट एरर का मतलब सिंपल एडिशन, ना आपको स्क्वायर करना है, ना आपको मॉड में डालना है, ना आपको परसेंटेज निकालना है, इट इज द सिंपल एडिशन ऑफ ऑल द एरर, वॉट एवर साइन कम्स इन यू हैव टू एंटरटेन दैट। अगर माइनस आया तो माइनस कर दो, अगर प्लस आया है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो हमने निकाल लिया मीन फोरकास्ट एरर, जिसे हम बायस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन फोरकास्ट एरर की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमने चार एरर्स निकाले फोरकास्टिंग में। एक और एरर होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रैकिंग सिग्नल। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल चार एरर्स निकाले हैं, इसका नाम है मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, और मीन फोरकास्ट एरर या बायस। ठीक है, तो मीन फोरकास्ट एरर का एक और फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं रनिंग सम फोरकास्ट एरर डिवाइडेड बाय एन। तो जो समेशन है उसी को बोला जाता है रनिंग सम फोरकास्ट एरर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे ट्रैकिंग सिग्नल। तो ये ट्रैकिंग सिग्नल क्या होता है आप समझो, फोरकास्टर ने कोई भी वैल्यू प्रेडिक्ट किया कि डिमांड जो है वो आएगा 20 यूनिट्स। ठीक है, और जो एक्चुअल डिमांड आया वो मान लेते हैं आया 22 यूनिट्स। तो ऐसे ही हर बार चलता रहा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि 5 पीरियड है और 5 डिमांड्स हैं,
और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग फोरकास्ट है। तो जो फोरकास्टर है उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, तो यही डिसाइड करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं ट्रैकिंग सिग्नल जिसकी आइडियल वैल्यू होनी चाहिए 0। तो ट्रैकिंग सिग्नल ये बताता है कि फोरकास्टर कितने अच्छे तरीके से या कितना एक्यूरेट है अपने प्रेडिक्शन में। तो ट्रैकिंग सिग्नल की जो आइडियल वैल्यू होनी चाहिए दैट इज 0। सो दिस इज द आइडियल फिगर। लेकिन अगर प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 5 तक आता है तो वो भी एक्सेप्टेबल रेंज होगा। सो प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 विल बी एक्सेप्टेबल। ओके, अब ये ट्रैकिंग सिग्नल निकालेंगे कैसे? तो ट्रैकिंग सिग्नल जो है ना वो हम निकालते हैं बाय डिवाइडिंग मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द रनिंग सम फोरकास्ट एरर। ठीक है, तो रनिंग सम फोरकास्ट एरर से हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को डिवाइड करेंगे और फिर हमें मिलेगा ट्रैकिंग सिग्नल। ध्यान रहे, अगर प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 5 के आसपास वैल्यू आ रही है तो वो आपका एक एक्सेप्टेबल रेंज है। आइडियली क्या होना चाहिए? 0। और हमें पता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आइडियल फिगर हमें टीएस का या ट्रैकिंग सिग्नल का या किसी भी फोरकास्ट एरर का नहीं मिलेगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं रनिंग सम फोरकास्ट एरर और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं एरर, व्हाट इज द एरर वैल्यू। तो अगर आप एरर वैल्यू देखें तो क्या आएगा, 35 माइनस 30 दैट विल बी इज इक्वल टू 5, 45 माइनस 40 इज 5, 28 माइनस 30 इज माइनस 2, 32 माइनस 35 इज माइनस 3 एंड 40 माइनस 35 इज 5। अगर इसका मॉड वैल्यू निकाला जाए या अगर मैं क्यूमुलेटिव निकालता हूं तो क्यूमुलेटिव क्या आएगा, रनिंग सम फोरकास्ट एरर, मैं लिखूंगा यहां पर रनिंग सम फोरकास्ट एरर, तो ये आया 5, ये आया 10, ये 10 माइनस 2 विल बी 8, 8 माइनस 3 विल बी 5, 5 प्लस 5 विल बी 10। तो लास्ट में रनिंग सम फोरकास्ट वैल्यू आ गई 10। अगर एब्सोल्यूट डेविएशन की बात की जाए तो एब्सोल्यूट डेविएशन में 5 विल रिमेन एज इट इज, दिस 5 विल रिमेन एज इट इज, दिस माइनस 2 विल बिकम 2, ये जो माइनस 3 है ये 3 हो जाएगा एंड दिस 5 विल रिमेन एज इट इज। तो ये हो गया मॉड वैल्यू। अब आपको क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हम हर पीरियड का निकालेंगे। नाउ दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। आप बोलेंगे सर हर पीरियड का मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हर पीरियड में कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं ट्रैकिंग सिग्नल को कैलकुलेट करूंगा। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि एब्सोल्यूट डेविएशन है 5, तो 5 को अभी एक ही पीरियड से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 1 विल बी 5। अच्छा, फिर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अब क्या करेंगे, इस 5 और इस 5 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि जनवरी और फरवरी दो मंथ हो गया, तो 10 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 5। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 5 5 और 2 इसको ऐड करता हूं तो कितना होगा, 12। तो एब्सोल्यूट डेविएशन, तो आपको मीन निकालना है एब्सोल्यूट डेविएशन का, तो मीन क्या होगा, 5 एंड 5 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, 12 डिवाइड बाय 3, तो यहां पर मैं लिखूंगा 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर कर देता हूं कि ये मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5, यहां पर मैंने लिखा 5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। अच्छा, फिर इधर देखें तो 5 5 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया 3.75। फिर 15 प्लस 5 इज 20, 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें निकालना है ट्रैकिंग सिग्नल। तो ट्रैकिंग सिग्नल के लिए मैं लिख लिया TS। फॉर्मूला क्या है ट्रैकिंग सिग्नल का, ट्रैकिंग सिग्नल का फॉर्मूला है रनिंग सम फोरकास्ट एरर डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सो लेट अस गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ट्रैकिंग सिग्नल फॉर द
फर्स्ट मंथ दैट इज जनवरी. तो जनवरी के लिए रनिंग सम फोरकास्ट एरर क्या है? 5. मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है? 5. तो 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 1. क्लियर है फंडा? अब सेकेंड मंथ फरवरी के लिए जो रनिंग सम फोरकास्ट एरर है दैट इज 10. मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है 5. तो वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2. फिर थर्ड मंथ मार्च के लिए जो रनिंग सम फोरकास्ट एरर है दैट इज 8 और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है 4. तो रिजल्ट क्या आ गया? 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2. फिर रनिंग सम फोरकास्ट एरर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज 5 एंड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज 3.75. सो लेट अस डिवाइड 5. नाउ दिस कैलकुलेटर गेट स्टक. अच्छा, 5 डिवाइड बाय 3.75 दैट इज इक्वल टू 1.33. ओके, फिर फाइनली रनिंग सम फोरकास्ट एरर कितना है? 10 डिवाइड बाय 4, सो दैट इज इक्वल टू 2.5. तो आप देख रहे हैं कि हर बार जो ट्रैकिंग सिग्नल है वो प्लस माइनस 4 के करीब है. ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी हम नेगेटिव जोन में गए नहीं, क्योंकि हमेशा रनिंग सम फोरकास्ट एरर जो है वो क्या आया है? थ्रू आउट पॉजिटिव आया है, राइट? अब आप ध्यान से देखो कि ट्रैकिंग सिग्नल क्या प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 5 के करीब है या उस रेंज में है. इसका मतलब अगर हम नंबर लाइन में देखें तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और 5, और इधर भी -1, -2, -3, -4 और -5. तो वैल्यूज आप देखो क्या आ रहा है. ट्रैकिंग सिग्नल जो है इसी रेंज में आना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए, तब जाकर वो एक्सेप्टेबल होगा. तो फर्स्ट पार्ट में क्या आया? 1, एक्सेप्टेबल है. फिर सेकंड में क्या आया? सेकंड मंथ के लिए पॉजिटिव 2. फिर थर्ड मंथ के लिए भी पॉजिटिव 2. फिर फोर्थ मंथ के लिए 1.33 समवेयर हियर और फिर 2.5 समवेयर हियर. ठीक है, तो हम इस रेंज में थे. ठीक है, तो जीरो से आप जितना करीब रहेंगे उतना आपकी एक्यूरेसी या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा है. तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट हम किस मंथ में थे? हम फर्स्ट मंथ में थे. उसके बाद धीरे 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 गाड़ी कहां तक पहुंची? 2.5 तक. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग सिग्नल दैट वी हैव ऑब्टेन इन दीज 5 मंथ्स. तो हम 2.5 तक पहुंचे मैक्सिमम, राइट? सो दैट इज विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज एंड इट इज फाइन. तो ये था हमारा क्वेश्चन ट्रैकिंग सिग्नल का. तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 4 एरर्स और ये हमने 5वां एरर देख लिया. अब इनका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो मैं आपको बता दूं. तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर अ फोरकास्टर, सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा मीन स्क्वायर एरर को, फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को, फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा बायस को, जिसे हम मीन फोरकास्ट एरर भी कहते हैं. फिर हम प्रेफरेंस देंगे, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को, और फिर हम प्रेफरेंस देंगे ट्रैकिंग सिग्नल को. तो ये है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. हाईएस्ट प्रेफरेंस किसको मिलता है? मीन स्क्वायर एरर को. लीस्ट प्रेफरेंस किसको मिलता है? ट्रैकिंग सिग्नल को. तो ये भी आपको याद रखना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली पूछ लेते हैं इस चीज को. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द फोरकास्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इयर्स फ्रॉम 2020 एंड 2021 बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है वो पहले हमें समझना पड़ेगा. तो देखो, जो कंसेप्ट है लीनियर रिग्रेशन का, उसी से लीस्ट स्क्वायर मेथड आया है. तो लीनियर रिग्रेशन किसके इसके बीच का कॉन्सेप्ट है? इट इज द रिलेशनशिप, इट विल एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जैसे मान लो ये हमारे पास टाइम है, तो टाइम क्या है? टाइम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिमांड.
इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करवाएगा, कौन? लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो डिपेंड करता है कौन, डिमांड किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, और वो भी कैसे डिपेंड करेगा, क्या रिलेशनशिप होगा, तो हम बोलेंगे ओके ऑलमोस्ट लीनियर, नॉट एग्जैक्टली लीनियर, लेकिन यस इट विल बी वेरी क्लोज टू द लीनियर फंक्शन। तो ये है हमारा लीनियर एजम्पशन, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली लीनियर, ठीक है। और अब आप ये सोचो कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिमांड चेंज होता है लीनियरली, तो एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। तो वेर इज दिस वाई इज द डिमांड, और यहां पर ये जो x है वो क्या है, टाइम, ठीक है, वो टाइम हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, और ऐसी कोई चीज हो सकती है इसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, टाइम। तो आपको सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके ऊपर ये इक्वेशन डिपेंड करता है। तो a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, तो आपको दिख रहा है b इज एक्चुअली द स्लोप, ठीक है, और a जो है वो एक कॉन्स्टेंट है। तो अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं यहां पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और मैं लिखता हूं यहां पर समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x, तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ y माइनस बी समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ठीक है, a की वैल्यू यहां से आ गई। अच्छा, अगर हम देखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, या मैं ऐसा लिख रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर जो इक्वेशन था हमारे पास ये समेशन ऑफ y दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x, यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई summation of x both sides, so what we get is summation of x into summation of y is equal to n a summation of x plus b summation of x ka whole square, इसे आप equation number वन मान लो, right? अब देखो ध्यान से, ये जो equation आपको यहां पर दिख रहा है इसमें आप क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर आप समेशन ले लो बोथ साइड्स, तो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ x स्क्वायर। अब आप n से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, n समेशन ऑफ एक्स वाई एन ए समेशन ऑफ x प्लस एन बी समेशन ऑफ x स्क्वायर। अब आप इसको इक्वेशन टू मान लो, तो आपके पास दो इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन वन और दूसरा इक्वेशन टू। अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन वन को टू से, तो मैं लिखूंगा n समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू एन ए समेशन ऑफ x प्लस एन बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर लिखूंगा मैं समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और मैं करने वाला हूं सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसल हो जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन, आप बी को कॉमन ले लो और लिख लो एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट। तो अब यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, और b की वैल्यू को आप लिखेंगे n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये है किसकी वैल्यू, ये है वैल्यू बी की। तो ए की वैल्यू यहां पर है, लेकिन ए के वैल्यू को निकालने के लिए आपको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए के इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है क्या है, बी है। अब ये हो गया लिनियर रिग्रेशन का मेथड, जिसमें आप ए और बी निकाल के फिर आप वैल्यू निकाल सकते हैं वाई की। लेकिन जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो क्या करता है, वो लिखता है समेशन ऑफ एक्स को जीरो। ठीक है, ये क्या है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि लीस्ट स्क्वायर मेथड ये क्या है। अभी फिलहाल हमने क्या किया, ए को लिखा समेशन ऑफ वाई माइनस बी समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और बी को लिखा एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऐसा लिखेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप समेशन ऑफ एक्स को जीरो के बराबर पुट करते हैं। अगर समेशन ऑफ एक्स जीरो के बराबर होता है तो आप देखो दोनों इक्वेशंस आप लिख सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से, ए में ये क्या हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन दैट इज इक्वल टू ए। फिर बी में देखो समेशन ऑफ एक्स जीरो है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा जीरो, एन से एन हो जाएगा कैंसिल, बी की क्या वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब जाके आपका इक्वेशन बहुत सिंपल हो गया ए और बी का। तो ये दो चीजें आपको निकालनी है, राइट। तो मैं इन दो चीजों को यहां से मैं लेकर जाता हूं इसको। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। What I have to find out is this value of A and B. मुझे इस A और B की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास ये जो पीरियड है ये कितने पीरियड्स हैं, 2014 से लेकर 2019 तक यहां पर 6 साल हैं। अब इस 6 साल में आपको समेशन ऑफ x जीरो कैसे लेकर आना है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो आप क्या करेंगे, आपको समेशन ऑफ एक्स जीरो लेकर आना है। तो आप जैसे मान लो यहां पर मेरे पास ईयर है, ठीक है, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, कितने पीरियड्स है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये ऑड फंक्शन है, तो मैं ये करूंगा इस सेंट्रल वैल्यू को लिख दूंगा जीरो। ठीक है, अब इससे एक पहले जाएंगे तो माइनस वन, एक पहले और जाएंगे तो माइनस टू, इससे एक आगे जाएंगे तो प्लस वन, एक और आगे जाएंगे तो प्लस टू, एट द एंड फाइनल समेशन क्या होना है जीरो। अगर मान लेते हैं यहां हमारे पास टोटल 6 पीरियड्स हो, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, सो हियर नाउ वी हैव 6 पीरियड्स। अब आप क्या करो, सेंट्रल वैल्यू आपके पास कोई है नहीं, तो आप क्या करेंगे 2016 और 2017 को ऑपरेट करेंगे, 2016 को लिखेंगे माइनस वन, 2017 को लिखेंगे प्लस वन। और ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है ना वो होनी चाहिए यूनिफॉर्म। बच्चे क्या करते हैं, माइनस वन के बाद यहां पर लिख देते हैं माइनस टू, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गैपिंग देखो ये गैपिंग होनी चाहिए यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म गैप क्या है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में गैप कितना है, टू का, तो यहां पर होगा माइनस थ्री और यहां होगा माइनस फाइव, यहां होगा प्लस थ्री और यहां होगा प्लस फाइव। और अगर आपको 2020 का लिखना है तो 2020 का जो यहां पर x वैल्यू होगा दैट विल बी प्लस सेवन, 2021 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस नाइन। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। आप गैप चेक कर सकते हैं, यहां भी गैपिंग क्या है यूनिफॉर्म, वन की गैपिंग है यहां पर गैपिंग टू की है, वो गैपिंग आपको मेंटेन करके रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ईयर को xi के फॉर्म में लिखेंगे सच दैट द फाइनल समेशन इज इक्वल टू जीरो। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, सो
इन दिस क्वेश्चन हियर वी हैव द ईयर्स, तो यहां पर देखो सेंट्रल वैल्यू ये दोनों है, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस वन, यहां आप लिखेंगे प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस फाइव, ये हो जाएगा प्लस थ्री, ये हो जाएगा प्लस फाइव, और सबका समेशन क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब आप जो है ये है आपकी xi वैल्यू, ये है आपकी वैल्यू डिमांड की, अब आपको क्या निकालना है समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n करना है। समेशन ऑफ y पहले हम करेंगे तो उससे a मिल जाएगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा 100 प्लस 110 प्लस 160 प्लस 190 प्लस 250 प्लस 290 डिवाइडेड बाय, पहले मैं लिख देता हूं समेशन क्या आया, समेशन आया 1100। नाउ डिवाइडेड बाय n, तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 183.33, सो 183.33 दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब बात करते हैं बी की, बी निकालने के लिए करना पड़ेगा समेशन ऑफ एक्स वाई। ओके, तो एक्स वाई का एक कॉलम बनाते हैं यहां पर, 100 इंटू माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू माइनस 500, 110 इंटू माइनस थ्री तो माइनस 330, 160 इंटू माइनस वन तो माइनस 160, 190 इंटू वन तो यहां पर पॉजिटिव 190, ये मैं यहां से हटा देता हूं, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दैट इज 183.33, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। देन 250 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 750 एंड 290 इंटू 5 इज इक्वल टू 1450। ठीक है, इसका समेशन करना जरूरी है, तो समेशन करेंगे क्या आएगा, 1450 प्लस 750 प्लस 190 माइनस 160 माइनस 330 माइनस 500, सो दैट इज इक्वल टू 1400। ठीक है, तो ये है हमारे पास वैल्यूज। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आया है इसको हमें करना क्या है, हमें इससे निकालना है बी की वैल्यू, तो समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर भी कर लेते हैं, तो ये क्या है 25, ये है 9, ये है 1, ये है 1, ये है 9 और ये है 25, तो 25 और इधर क्या मिल रहा है मेरे को 10, 35 और 35 और 35 इज इक्वल टू 70, तो जो b की वैल्यू है दैट इज 1400 डिवाइडेड बाय 70, तो यहां से आ गया 20, तो b की वैल्यू हमने निकाल ली दैट इज इक्वल टू 20, a की वैल्यू आ चुकी है 183.33। अब करना क्या है हमें, हमें निकालना है y, तो मैं लिखूंगा 183.33 प्लस 20 इंटू एक्स। अब अगर आपको निकालना है सेल्स फॉर द पीरियड 2020 एंड 2021, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे डिमांड फॉर 2020 इज इक्वल टू 183.33 प्लस 20 इंटू, अब x की वैल्यू कितनी होगी 2020 के लिए, प्लस 7, तो 20 इंटू 7, सो 183.33 प्लस 7 टू द 14 और 0 140, सो आई विल राइट हियर 183.33 प्लस 140 दैट इज इक्वल टू 323.33, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द एक्सपेक्टेड सेल्स किस साल के लिए, 2020 के लिए। डिमांड 2021 के लिए अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 183.33 प्लस
20 into plus 9, क्योंकि यहाँ पे देखो 2021 के लिए plus 9 होगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर 180 से आपको ऐड करना है, 183.33 plus 180 is equal to 363.33. This is the expected demand, or I can say the forecast. यहाँ पर मैं लिखूंगा expected demand. यहां पर भी मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेड डिमांड. तो आपको दोनों साल के लिए वैल्यूज मिल गई हैं. ये कौन सा मेथड था? ये था लीस्ट स्क्वायर मेथड. तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि जो एक्चुअल वैल्यू है ए की, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहां पर हम समेशन ऑफ एक्स को क्या कर देते हैं, जीरो, और उसके बाद ए का इक्वेशन बड़ा सिंपल हो जाता, दैट इज समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन. सिमिलरली हम b को लिखते हैं n summation of x y minus summation of x into summation of y divided by n summation of, यहां पर summation of x y आएगा, summation of n into summation of y. अब यहां पर n summation of x square minus summation of x का whole square. ठीक है, हम क्या करते क्या है, समेशन ऑफ एक्स को जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये एन से एन कैलकुलेट हो जाएगा. लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है हमने लगाया जब जो एक्स था वो कौन सा पैरामीटर था, टाइम पैरामीटर. तो कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स इवन होता है, कई बार नंबर ऑफ पीरियड्स ऑड होता है. ऑड होता है तो सेंट्रल वैल्यू जीरो लेकर चलते हैं, लेकिन अगर इवन होता है तो हम माइनस वन और प्लस वन लेकर चलते हैं. ध्यान रहे जो गैप होगा वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, राइट. तो ये था हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर, लीस्ट स्क्वायर मेथड के ऊपर. अब हम चलते हैं आगे. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें फोरकास्ट निकालना है जब पॉपुलेशन हो जाएगा 40 मिलियन. तो यहां पर हमें गिवन है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में जो सेल्स है वो बढ़ता जा रहा है. तो अगर आप देखेंगे कभी कि सेल्स बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर दैट इज पॉपुलेशन और टाइम, तो आप समझ जाना कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है. इसका मतलब अगर पॉपुलेशन और बढ़ेगा तो सेल्स भी और बढ़ेगा, राइट. तो यहां पर जो सेल्स है वो किसमें है, थाउजेंड्स में है, और जो पॉपुलेशन है वो किसमें है, मिलियंस में है. अब आपको पता है कि दो वेरिएबल्स हैं आपके सामने. एक वेरिएबल कौन सा है जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या देखना है, रिलेशनशिप. तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिमांड, और यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, पॉपुलेशन, और इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, लीनियर रिलेशनशिप. तो कौन सा इक्वेशन बैठेगा यहां पर, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. अब जाके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 40. ये हमें करना है. तो इसके लिए a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लीनियर regression, the value of a is summation of y minus b summation of x divided by n, और value of b क्या है, n summation of x y minus summation of x into summation of y divided by n summation of x square minus summation of x का whole square. ये दो values हमने previous question में डिराइव किया था. अब हमें करना क्या है, आप देखो कि कौन कौन से यहां पर टर्म्स है. देखो समेशन ऑफ एक्स चाहिए आपको, ओके. सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स किया जाएगा. तो समेशन ऑफ एक्स के लिए आप देखो क्या लिखा है, 3, 5 कितना, 8 और 13 कितना हो जाएगा, 21 और 19 कितना हो जाएगा, 40 24 कितना, 64 और 32 कितना हो जाएगा, 96. समेशन ऑफ एक्स मिल गया आपने को, ओके. तो आप यहां लिख लो दिस इज समेशन ऑफ एक्स. अच्छा, अब समेशन ऑफ वाई भी आप यहां देख सकते हैं, 25, 37, 62, इन सबको ऐड करेंगे हम. तो मैं लिखा 25 + 37 + 62 + 74 + 92 + 120.
ठीक है, दैट इज इक्वल टू 410. ये क्या है, दिस इज समेशन ऑफ y. अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई, तो हम एक्स वाई निकाल लेते हैं. एक्स वाई कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, 25 into 3 दैट इज इक्वल टू 75. 37 को 5 से मल्टीप्लाई करो, सो 37 into 5 दैट इज इक्वल टू 185. 62 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 62 × 13 806. 74 × 19 1406. 92 × 24 2208. 120 × 32 3840. अब जाके इन सब को हम क्या कर देंगे, एड, तो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई. तो 3840 प्लस 2208 प्लस 1406 प्लस 806 प्लस 185 प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 8520. ये क्या है, दिस इज समेशन ऑफ एक्स वाई. एक कॉलम और रह गया है, दैट इज द एक्स आई स्क्वायर कॉलम. तो ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 169, ये हो गया 361 square, ओके, और ये 24 स्क्वायर इज 576 और 32 स्क्वायर इज 1024. अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस 9 प्लस 169 प्लस 361 प्लस 576 प्लस 1024 इज इक्वल टू 2164. ये क्या है, ये है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है वैल्यू ए की और वैल्यू बी की. तो हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट. तो ए निकालने के लिए पहले बी निकालना पड़ेगा. तो बी जो है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू एन. एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 इंटू, फिर क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई. समेशन ऑफ एक्स वाई इज 8520. तो आप 8520 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई. तो 96 × 410 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स स्क्वायर का समेशन, दैट इज इक्वल टू 2164 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 96 का होल स्क्वायर. अब यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको. 6 इंटू 8520 माइनस 96 इंटू 410 दैट इज इक्वल टू 11760 डिवाइडेड बाय, फिर आपके पास है 6 × 2164 माइनस 96 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3768. सो 11760 डिवाइडेड बाय 3768 इज इक्वल टू 3.121. तो ये है हमारा कैलकुलेशन किसका, बी का. अब आपको बी मिल चुका है, तो आप ए बड़े प्यार से निकाल सकते हैं. तो ए जो है ना, वो आप देखो क्या है, समेशन ऑफ वाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, ए समेशन ऑफ वाई क्या है, दैट इज इक्वल टू 410 माइनस 3.121 इंटू समेशन ऑफ एक्स दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 6. तो सॉल्व करते हैं इसको, 410 माइनस 3.121 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 18.4. तो ए की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 18.4 और बी की वैल्यू आ गई है 3.121. तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ए दैट इज इक्वल टू 18.4.
4 एंड b इज इक्वल टू 3.121। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर द पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू 40 मिलियन। तो अब आपको a की वैल्यू पता चल चुकी है दैट इज 18.4, b की वैल्यू पता है 3.121, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो और देख लो क्या आ रहा है रिजल्ट। तो 3.121 इंटू 40 प्लस 18.4 इज इक्वल टू 143.24, ये आ गया 143.24। और आपको पता है कि जो टेलीविजन सेल्स है उसको आपको थाउजेंड्स में लिखना है, तो जो भी आपके पास आया है 143.24 वो थाउजेंड्स में है, तो 143.24 दैट विल बी द एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू। तो मैं लिखूंगा यहां पर एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर 40 मिलियन पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू 143.24 यूनिट्स ऑफ टेलीविजन। तो ये है हमारा आंसर। तो हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन से जो वैल्यू आई थी ए और बी, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिराइव किया था, उसको हमने इस्तेमाल किया एंड देन वी हैड ऑब्टेन्ड 4 सक्सेसिव कॉलम्स। वन वाज द एक्स आई कॉलम, अदर वाज द वाई आई कॉलम, एक था एक्स आई स्क्वायर कॉलम, एक था एक्स वाई का कॉलम। इन चार कॉलम्स के बाद आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद आप प्यार से किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है 143.24 यूनिट्स। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स, दो कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन है, पहला फोरकास्टिंग एनालिसिस का और दूसरा है आपका फोरकास्टिंग एरर। तो अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक प्यारा सा क्वेश्चन तैयार किया गया है जहां पर आपके पास डिमांड्स हैं 5 अलग अलग पीरियड्स के। अब 5 डिमांड के साथ 5 फोरकास्ट भी होना चाहिए, तो वो 5 फोरकास्ट मिलेगा आपको इस फोरकास्टिंग इक्वेशन से जो आपको मिला है लीनियर रिग्रेशन टेक्निक से। तो अब क्या होगा, आपको टी के अलग अलग वैल्यूज के साथ फोरकास्ट की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जैसे टी इक्वल टू 1 के लिए फोरकास्ट की अलग वैल्यू होगी, टी इक्वल टू 2 के लिए फोरकास्ट की अलग वैल्यू होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू है 75 और बी की वैल्यू है 32 और हम 5 पीरियड्स के लिए फोरकास्ट निकालेंगे। तो अब क्या होगा, डिमांड आपके पास 5 गिवन है, एक और कॉलम बनेगा फोरकास्ट का और डिमांड कॉलम और फोरकास्ट कॉलम के साथ आप क्या निकालेंगे, फोरकास्टिंग एरर, और फाइनली उसके बाद आपको निकालना होगा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर फोरकास्ट फॉर द पीरियड 1। तो जब मैं टी को 1 प्लेस करूंगा तो फोरकास्ट क्या आएगा, 75 प्लस 32 इंटू 1 दैट विल बी इज इक्वल टू 107 यूनिट्स। ये था फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड के लिए फोरकास्ट मतलब एक्सपेक्टेड सेल्स कितना होगा, 75 प्लस 32 और सेकेंड पीरियड के लिए टी की वैल्यू को क्या रखूंगा मैं, 2। तो 75 प्लस 64 तो दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर अगर मैं 32 ऐड कर दूंगा सो इट विल बी 139 यूनिट्स। फिर फोरकास्ट फॉर द थर्ड पीरियड विल बी इज इक्वल टू 75 प्लस 32 इंटू 3 सो दैट इज इक्वल टू 139 प्लस 32 दैट इज 169 एंड प्लस 2 दैट इज 171 यूनिट्स। फिर फोरकास्ट फॉर द फोर्थ पीरियड क्या आएगा, 75 प्लस 32 इंटू 4 तो आप 171 में 32 और आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 203 यूनिट्स। फिर हम निकालेंगे फोरकास्ट फॉर द फिफ्थ पीरियड दैट इज 75 प्लस 32 इंटू 5 तो यहां पर हो जाएगा 235 यूनिट। तो 5 पीरियड्स के लिए फोरकास्ट मिल गया आपको। अब करना क्या है, हम प्यार से यहां पर लिखेंगे DI, यहां पर लिखेंगे पीरियड। तो पीरियड क्या है, 1 2
3, 4, 5 और डिमांड पहले पीरियड के लिए कितना है 110, दूसरे पीरियड के लिए कितना है 140, तीसरे पीरियड के लिए 170, फोर्थ पीरियड के लिए 190 और फिफ्थ पीरियड के लिए 230। कॉरेस्पॉन्डिंग फोरकास्ट वैल्यूज को भी आप लिख दो, तो यहां पर 107, फिर 139, फिर 171, फिर 203 एंड 235। अब आपके पास डिमांड और फोरकास्ट कॉलम दोनों आ चुका है, तो अब क्या करेंगे आप यहां पर एक एरर वैल्यू को लिखेंगे ईआई। तो ईआई आपको मॉडुलस में रखना है, रीजन बीइंग आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, MAD। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता चुका हूं मैं पहले, कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस शब्द के ऊपर, डेविएशन शब्द के ऊपर। तो डेविएशन क्या होता है, दैट इज ईआई नथिंग बट डीआई माइनस एफआई। फिर किस पे ध्यान देंगे, एब्सोल्यूट के ऊपर, तो एब्सोल्यूट कर देंगे हम इधर। फिर हम ध्यान देंगे मीन के ऊपर, तो हम समेशन करके, समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ईआई डिवाइड बाय एन। तो अब मैं लिखूंगा यहां पर 3, 1, 1, 13 और फिर यहां पर 5। अगर इन सबको मैं जोड़ देता हूं तो 3, 4, 5, 10 और 13, 23। तो अगर इस 23 को देखा जाए तो इसे कहा जाएगा सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, इसे हम कहते हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। और इस सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस को अगर आप नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, दैट इज नथिंग बट 23 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर आ जाएगा 4.6। ये है आपकी वैल्यू मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास जो फोरकास्टिंग टेक्निक से जो इक्वेशन हमें गिवन था उसका हमने इस्तेमाल किया, तो उससे हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, हमें अलग से ए और बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर हमने क्या किया, टी के अलग अलग वैल्यू को प्लेस किया और प्लेस करने के बाद हमें 5 अलग अलग पीरियड के लिए फोरकास्ट मिल गया और फिर हमने फोरकास्टिंग एरर निकाल लिया क्योंकि डिमांड हमारे पास पहले से था। तो ये जो था ना, ये कॉम्बिनेशन था दो कॉन्सेप्ट का और क्वेश्चन वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आंसर हमारा आया 4.6। ऐसे क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जहां पर दो तीन कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां पर लगाना पड़ेगा।